मैं असम का निवासी हूँ, लेकिन असम और उत्तराखंड हम लोग को कौन जोड़ता है एक साथ? हिमालय हम लोग को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। उत्तर पूर्व में भी हिमालय है और उत्तराखंड में भी हिमालय है, और जैसा हिमालय दो प्रदेश को जोड़ता है, और आप और हमको प्यार और मोहब्बत से हम लोग दोनों को जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ कामाख्या कामाख्या का धरती से मैं आया हूँ, और मैं आप लोग को प्रणाम करता हूँ। मेरा निवेदन है कि हमारा राजेश भाई चुनाव में खड़ा है। लास्ट टाइम आप लोग जितना भूत से जिताया था ना, वो तो भूल जाइए। अभी कम से कम इनको 20,000 वोट से आप लोग को जिताना है। इसलिए जब आप उनको पहले जिताया था, उस समय किसका सामने जिताया था? एक मुख्यमंत्री का सामने। तो चुनाव हो गया, 5 साल हो गया, अभी पंतनगर में एयरपोर्ट आ गया, एम्स का शिलान्यास हो गया, दिल्ली से मॉडल कॉलेज आ गया। तो इतना काम हुआ। अभी मुझको प्रेस वाला पूछ रहा है कि राजेश जी जीतेगा, मैं बोला राजेश जी के लिए कैंपेन का जरूरत नहीं है, भाजपा कार्यकर्ता और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग राजेश जी को आशीर्वाद देगा और जिताएगा, भारी बहुमत से जिताएगा। भाई और बहनों, अभी जो देश का सिचुएशन है, यह सिचुएशन आप लोग को समझना चाहिए। देश में एक साइड एक तरफ कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमारा देश को कितना साल चलाया? कोई हिसाब नहीं है। कोई प्रदेश में 50 साल, कोई प्रदेश में 7 साल, कोई प्रदेश में 70 साल चली रहा है। लेकिन कांग्रेस का समय में ये लोगों का काम क्या था? तुष्टिकरण का काम था कि खाली तुष्टिकरण करो। हमारा प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया? हजारों मदरसा खोला, और मदरसा का जो टीचर का सैलरी है, तनख्वाह है, वो भी सरकार देता है, बिल्डिंग भी सरकार बनाता है। तो मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने पूछा क्या मुसलमान भाई को मैथ्स पढ़ना नहीं है? क्या इंग्लिश पढ़ना नहीं है? क्या मुसलमान भाई को डॉक्टर बनना नहीं है? क्या मुसलमान भाई को इंजीनियर बनना नहीं है? कांग्रेस सोचते हैं कि मुसलमान खाली मुल्ला बनना चाहिए। मैं बोला भाई ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, मदरसा तुरंत बंद करो। तो 630 मदरसा 630 मदरसा सरकार बनने का 2 महीना का अंदर ही हमने बंद किया। तो आलू कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में पूछा आपने क्यों बंद किया? मैं बोला जज साहब, आपका बेटा बेटी क्यों आप मदरसा में डालेगा? क्या आप तो नहीं डालेगा, आपका बेटा बेटी क्यों तो आप MBBS में डालेगा, इंजीनियरिंग में डालेगा? तो गरीब का बच्चा क्यों मदरसा में जाना चाहिए? वो लोग को भी जनरल स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट में बोला कि आप जो किया है ठीक किया है, आप तो सिंगल ताला लगाया था, अभी डबल ताला लगा दीजिए। तो अभी डबल लॉक हो गया। तो अभी थोड़ा 3 दिन का पहले से 3-4 दिन आप सुन रहा होगा कि कर्नाटक में कोई बच्ची लोग ने शुरू किया कि स्कूल में कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है कि आप जाके फैशन शो शुरू कर दो। ये बात नहीं होता है, ये बात आपका मन में रहना चाहिए कि मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, उनको भी इंजीनियर बनना चाहिए। कहां आप उनको हिजाब का चक्कर में फंसा रहा है? तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन
जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तो स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो, वो यूनिफॉर्म से आपका बीच में समानता आएगा, आपका बीच में इक्वेलिटी आएगा, एक दूसरे का बीच में प्यार और मोहब्बत होगा, आप आगे जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस बोल रहे नहीं नहीं, मुसलमान बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, उनको हिजाब पहनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे कांग्रेस का राजनीति है। हरीश रावत जी यहां में बोला कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अरे बाबा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पास करने का बाद वो लोग को क्या रिलायंस में नौकरी मिलेगा, उनको क्या अदानी में नौकरी मिलेगा, उनको क्या टाटा में नौकरी मिलेगा? अरे हरीश रावत जी, आप बोला है महाभारत में भीष्म जो है मैं वो भी हूँ। अरे महाभारत का भीष्म कौरव में था, लेकिन उनका मन पांडव का साथ है, पांडव का साथ था। आज आपने वोट का लालच में इतना तक गिर गया कि वो अब हिंदू है, क्यों नहीं बोलते हम एक हिंदू यूनिवर्सिटी करेगा यहाँ में? वो तो आप नहीं बोलेगा, हम साथे भी नहीं हूं। हमारा मन में यही है कि ऐसा यूनिवर्सिटी बने जो यूनिवर्सिटी से मेरा उत्तराखंड का व्यक्ति, उत्तराखंड का बच्चा बच्ची जाके एम्स में नौकरी मिले, उनको पूरा देश में नौकरी मिले, ऐसा यूनिवर्सिटी हमको चाहिए। भाई कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आप इसको मनाओ कि आप चेयरमैन लूंगा, आप मैं सरकार बनेगा, सरकार तो उत्तराखंड में कांग्रेस का नहीं बनेगा, कोई चंद्र ग्रह में बनेगा, कोई मून में बनेगा, अलग बात है, लेकिन कम से कम उसको मनाना है। इतना जाके मनाओ कि भाई आपको सरकार आने से अध्यक्ष पद दे दूंगा, उपाध्यक्ष पद दे दूंगा, लेकिन आप जाके बोलता है कि भाई नहीं नहीं, सरकार आने से आपको मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे दूंगा। पर ये कौन सा सेकुलरिज्म है, ये कौन सा धर्म निरपेक्षता है? तो मेरा असम में सरकार आया, मैंने एक कानून बनाया कि कोई मंदिर का 5 किलोमीटर तक गोमांस का कोई व्यवसाय हो नहीं सकेगा, मैंने कानून बनाया। तो कांग्रेस वाला लोग असेंबली में बोला आप क्यों कानून बनाया, हम इसको विरोध करता है। मैं बोला ज्यादा विरोध मत करो, 10 किलोमीटर का दूंगा, 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर का दूंगा। आप देखिए मुसलमान लोग आपत्ति नहीं करता है, कौन आपत्ति करता है? कांग्रेस का लोग आपत्ति करता है। किसलिए? कांग्रेस तुष्टिकरण का राजनीति कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। अरे भाई, आप क्या नमाज का दिन में ऑफिस बंद होगा? ये क्या क्या आप क्या बनाना चाहते हैं? एक जिन्ना तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करके लेके गया है, और आप क्या आपका जिन्ना का भूत घुस गया है क्या? ये देश को आप दोबारा टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं क्या? आज अभी देखो राहुल गांधी 2 दिन से पीछे पड़ा है कि इंडिया देश नहीं है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अरे भाई, ये क्या बास का यूनियन है? ये क्या स्टूडेंट्स यूनियन है? ये क्या कल्चरल यूनियन है? देश एक जीवित आत्मा होता है, देश ऐसा बात नहीं है, देश यूनियन नहीं होता है। आज राहुल गांधी का ऐसा हालत हो गया कि वो बोलता है हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट है, उत्तराखंड और असम मिल के भारत बनाया है। नहीं, भारत हमारा आत्मा है, 5000 साल का पहले से ही हम भारतीय है, और भारतीय मरने मरते दम तक हम भारतीय रहेगा। आप देखो आज देश में क्या क्या बात आने लगा है, देश में बात आने लगा है कि हिजाब का बात करो। नरेंद्र मोदी किसका बात करता है? नरेंद्र मोदी सनराइज इंडस्ट्री का बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करता है, नरेंद्र मोदी इंटरनेट का बात करता है, नरेंद्र मोदी बोलता है देश को मंगल ग्रह तक जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी बोलता है देश को विश्व गुरु बनना चाहिए, और ये लोग जाके क्या बोलता है मेरा बेटी को आप लोग हिजाब पहनो। अरे भाई, ये काम का काम बात हुआ है क्या? आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा सबसे, हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई,
आप कौन सा पिता का बेटा है कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मांगने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या कि आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है, देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है मेरे से देश ऊपर है, लोग बोलता है परिवार मुझसे ऊपर है, लोग बोलता है जननी जन्मभूमि सर्गादपि गरीयसी। वो जननी को आप क्वेश्चन करेगा, वो जननी को आप सवाल करेगा। जब आप देखो आज वो लोग नरेंद्र मोदी को बोलता है मोदी क्या किया, अरे अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, रशिया ने वैक्सीन बनाया, साथ साथ में भारत में भी वैक्सीन बनाया। और जब भारत ने वैक्सीन बनाया और कांग्रेस लोग पूछता है इसका प्रूफ क्या है? बेटा जब अमेरिका ने वैक्सीन बनाया आप अमेरिका में जाके पूछा क्या इसका प्रूफ क्या है? जब भारत कुछ बनाता है आपको प्रूफ चाहिए, और पाकिस्तान जब कुछ बनाता है बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चीज आपने बनाया। चाइना ने कुछ बनाया और बहुत अच्छा किया। अभी राहुल गांधी बोलता है अरे चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है। आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों करते हो? आप बोलो भारत का सेना आगे गया है, ऐसे बोलो, तब देश में पता चलेगा कि आप भारतीय हो। आज राहुल गांधी हो, हरीश रावत हो, आप एकदम मिस्टेक मत कीजिए। ये लोग कोई भारत के लिए, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कल्याण के लिए नहीं है। ये लोग तुष्टिकरण के लिए है, अपना परिवार के लिए वो लोग जीता है, वो लोग अपना परिवार के लिए मरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो कभी कभी पैदा होता है वो देश के लिए जीता है। भाई और बहनों बहुत समय का बाद देश को मोदी जैसा नेता बन मिला है। आज देश को मोदी जैसा नेता मिला है, ये हमारा देश का भाग्य था। आप देखिए कैसे कोई सोच सकता था क्या कि भारत का विमान जाके पाकिस्तान में बम गिराएगा? कोई सोच सकता था क्या पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक संभव है? कोई सोच सकता था क्या अगर देश में कोरोना महामारी आएगा कि भारत भी वही नेशन में होगा जो नेशन में एक नहीं दो दो वैक्सीन बनेगा? कौन सोच रहा था? आज गरीब के लिए, अब गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी जीता है। प्रधानमंत्री जी जब कोविड का पेंडेमिक आया सबसे उन्होंने गरीब के लिए सोचा कि भाई गरीब को कैसे सहायता किया जाए। आज आप सोच लीजिए कि हमारा आइजोल है, इम्फॉल है, जो जाना भी संभव नहीं है, दूर दूर तक गांव तक उन्होंने रेशन भेजा, लोगों को फ्री रेशन भेजा कि भाई कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज अकाउंट खुला, अकाउंट में पैसा डाला, आज गैस का चूल्हा मिला माँ को। आज आपको एक एक करके आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहा है वो देश में कोई नहीं सोचा था कि ऐसा काम संभव है। हर घर में बिजली, लोगों का मन में था कि बिजली होना चाहिए, लेकिन लोगों का सपना में ये नहीं था कि दो साल में ही हर घर में बिजली होगा। लोगों का सपना में था कि घर में पानी मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए, लेकिन जल जीवन मिशन जैसा स्कीम होगा, सचमुच घर घर में जल जाएगा, ये लोग सोचता नहीं था। लोगों का मन में था
कि रास्ता बनना चाहिए, लेकिन आज उत्तराखंड में जैसा नेशनल हाईवे बना वो लोगों का सपना में नहीं था, आज अरुणाचल में जितना जैसा रोड बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज कांग्रेस का एक मंत्री था एके एंटोनी, उन्होंने क्या बोला कि हमारा गलती हो गया, हम चाइनीज का जो बॉर्डर है टेरिटरी है उसमें हमको रास्ता बनाना था, आपने तो बनाया नहीं। लेकिन आज देखिए उत्तराखंड में नेशनल हाईवे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये सब बात आप लोग को सोचना पड़ेगा। ये देश को हम लोग को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ये देश में दोबारा आ जाते हैं तो कांग्रेस सचमुच ये देश का जो हालत कर देगा वो हालत रिपेयर करने के लिए देश को और एक नरेंद्र मोदी का जन्म के लिए पता नहीं कितना साल हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। आज ये मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत को एक गौरवशाली देश बनाना, विश्व गुरु बनाना भारत को, ये मौका हमारा हाथ से जाना नहीं चाहिए। आज तो मैं ये भी आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि लास्ट एक साल में हमारा धामी जी उत्तराखंड में जैसा काम कर रहा है इससे गौरव होता है कि छोटी समय उनको मिला लेकिन छोटी समय में सब जगह में एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया कि इतना कम समय में इतना बढ़िया काम कर रहा है। जैसे T20 मैच होता है ना, किसी को टेस्ट क्रिकेट में तो अपना दिखा सकता है, समय बहुत मिलता है, लेकिन T20 में भी धमाका कर जाना ये धामी जी का कमाल है और धामी जी ने ये कमाल करके दिखाया है। आज मैं आप लोग को विनती करता हूँ, आप नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए, धामी जी को वोट दीजिए। और हमारा राजेश भाई के लिए तो बोलना ही कुछ नहीं है, राजेश शुक्ला जी ने इतना काम किया, आज इतना काम किया आप लोगों के लिए, आप लोग उनको वोट डालिए, दोबारा उनको विधायक बनाइए। इसलिए राजेश शुक्ला जैसा ये जो काम हुआ है, मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, एक प्रदेश में दो एम्स भाई साहब नहीं मिलता है, ये संभव नहीं है। हम भी असम में बीजेपी का सरकार है असम में, लेकिन एक एम्स बहुत मुश्किल से हमको मिला है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व का कमाल है कि भारत सरकार से आज दो दो एम्स उत्तराखंड के लिए आया है और एक एम्स आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया है। तो आप बीजेपी को वोट देना ही है और बीजेपी को आपको शक्तिशाली बनाना ही है। उत्तराखंड में बीजेपी का दोबारा सरकार बनेगा, इसमें मेरा कोई संदेश नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का है। इसलिए उत्तराखंड का लोगों से मोदी जी का दिल का संबंध है। अभी केदारनाथ का जो प्रोग्राम हुआ था, हम लोग कामाख्या मंदिर से बैठते हुए केदारनाथ का मंदिर का जो भव्य प्रतिमूर्ति का विमोचन हुआ था वो हम लोग देख रहा था। मोदी जी का आंखों में जो इमोशन था, मोदी जी का दिल में जो श्रद्धा था, वो देखते हुए पता चलता है कि उत्तराखंड का भूमि से मोदी जी का कितना प्यार है, आप लोग को कितना प्यार करता है। मुझको तो एक व्यक्ति ने, मेरा एक बहुत बड़ा लीडर है, उन्होंने मुझको बताया कि गंगा जितना निर्मल है इतना उत्तराखंड का लोगों का दिल भी इतना ही निर्मल है, मुझको एक बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर ने बताया जब मुझको मालूम हुआ कि मैं आज उत्तराखंड आ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने राजनीति का अंदाज में भाषण नहीं दिया, मैं आप लोग से डायरेक्ट बात किया हूँ, मैं डायरेक्ट बात किया हूँ, कोई राजनीति का अंदाज में बात नहीं किया हूँ, मैं डायरेक्ट बात किया हूँ। देखिए देश तुष्टिकरण से चलेगा नहीं, देश शिक्षा से आगे जाएगा, देश प्रगति करने के लिए देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, देश को एयरपोर्ट चाहिए, देश को कनेक्टिविटी चाहिए, देश को हाईवे चाहिए, देश को मद्रासा और मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश को नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरा पिता माता जो भी यहाँ में उपस्थित है, सबको मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग कमल का फूल में वोट तो दीजिए,
लेकिन आशीर्वाद भी कीजिए कि मोदी जी ये भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम होगा और देश को एक नंबर देश बनाएगा, उत्तराखंड को देश का एक नंबर प्रदेश बनाएगा, ऐसा सपना आगे लेके आप पूरा कमल का सीन में वोट दीजिए, मेरा भाई साहब को वोट दीजिए, भाई साहब को जिताइए। और आप लोग का भी निमंत्रण है, जब भी मौका मिलता है आप लोग भी आसाम आइए, माँ कामाख्या का दर्शन कीजिए। आप लोग के मैं सेवा में रहूंगा, राजेश जी मुझको बताएगा फोन में कि आज हमारे 10 व्यक्ति गुवाहाटी जा रहे हैं माँ कामाख्या का दर्शन में, मैं प्लेटफॉर्म में हाजिर रहूंगा, आप लोग को मैं माता का दर्शन के लिए जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा साथ बोलिए भारत माता के, भारत माता के, बहुत बहुत धन्यवाद।